नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक है द कैट एंड द ऑल रैट, यानी बिल्ली और बूढ़े चूहे की कहानी पे है। ठीक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हम जानेंगे कि टेंसेस और ग्रामर के रूल यहाँ पे किस प्रकार उपयोग किया गया है। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो आपके डेली बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग होते हैं, जिसे आप याद करके आप इसके डेली उपयोग में ला सकते हैं। इसमें ग्रामर और टेंसेस के इस्तेमाल के साथ आपको हम इसको ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, ताकि आप जल्द ही इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम देखिए। द कैट एंड द ऑल रैट, यानी बिल्ली और ऑल मीन्स क्या होता है, बूढ़ा, रैट मीन्स होता है चूहा। यानी ये कहानी क्या, बिल्ली और बूढ़े चूहे की। देयर वाज, यानी देयर वाज वंस ए कैट, यानी एक बिल्ली था। यहाँ जो देयर का यूज हुआ है, इस देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अगर कहीं भी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का अगर यूज देखते हैं, तो उसका वहाँ पे कोई सेंस नहीं होता है, उसका कोई वहाँ पे अर्थ नहीं होता है। केवल और केवल क्या, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे उसके यूज होता है। ठीक है, वाज मतलब क्या होता है, था। वंस मतलब क्या, एक बार, यानी एक बार थी एक बिल्ली। ठीक है, यानी एक बार एक बिल्ली थी। हु, WH, हु मीन्स होता है जो, वाज मतलब क्या, थी। ठीक है, सो वाचफुल मतलब बहुत सतर्क थी। ठीक है, सो वाचफुल का मतलब होता है बहुत सतर्क या फिर इतना सतर्क। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा सतर्क को क्या बोलते हैं, वाचफुल बोलते हैं। यानी एक बिल्ली थी जो क्या थी, बहुत ज़्यादा सतर्क थी। दैट, यानी जैसे कि एक चूहा, हार्डली डेयर सो। ठीक है, यहाँ पे हार्डली डेयर मतलब क्या आता है, हार्डली डेयर सो मतलब क्या आता है, हिम्मत नहीं दिखा पाना। ठीक है, सो मिस होता है दिखाना, हार्डली डेयर मतलब क्या आता है, मतलब ज़्यादा हिम्मत या फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत क्या करता था, नहीं दिखा सकता था। इससे इस सेंटेंस का यही अर्थ होता है। ठीक है, एक प्रकार का फ्रेजेस है, इसको आप लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। यानी एक चूहा, ठीक है, जो चूहा जो था, ठीक है, वो अपना जो ताकत था वो ज़्यादा नहीं दिखा पाता था। ठीक है, जिस कारण से, ठीक है, किस चीज़ में नहीं दिखा पाता था, टिप ऑफ हिस विकर्स, यानी अपने पूंछ का जो सबसे जो सिरा जो था ना, यानी पूंछ का जो सबसे ऊपरी वाला सिरा जो होता है, उसे भी क्या दिखाने में वो बहुत डरता था। क्यों, कि आगे पता चलेगा। ठीक है, फोर, फियर यानी डर से। ठीक है, यानी डर से क्या करता था, यानी उसका जो पूंछ का जो सिरा था वो भी क्या करता था, अपना हिम्मत नहीं दिखा पाता था दिखाने के लिए। ठीक है, फोर ऑफ बींग इटेन अलाइव, यानी जिंदा खाने के डर से। बींग इट, देखिए यहाँ पे इट मीन्स होता है खाना, यहाँ पे इटेन है, इटेन मीन्स क्या होता है, खाए जाने वाला। ठीक है, अलाइव है, अलाइव मतलब क्या, जिंदा, यानी जिंदा खाने के डर से क्या करता था, वो अपना शरीर का पूंछ भी नहीं दिखा सकता था। ठीक है, दैट कैट यानी वह बिल्ली को, सीम, सीम मतलब क्या होता है, दिखना होता है, लगना होता है। ठीक है, यानी उस बिल्ली को लगता था कि, ठीक है, बी एवरी वन यानी हर जगह, ठीक है, होगा। बी यहाँ पे बी मीन्स क्या होता है, होना होता है। ठीक है, यानी उस बिल्ली को लगता था क्या हो, लगता था कि हर जगह होगा, एट वंस यानी एक ही समय पर। एट वंस मतलब क्या होता है, एक ही समय पर। विथ हिज क्लैम यानी विथ मतलब क्या होता है, साथ। हिज मतलब होता है अपने, क्लाव मतलब होता है पंजे, यानी अपने पंजों के साथ। ऑलरेडी मतलब पहले से तैयार या फिर सभी जगह तैयार होंगे। फॉर ए पंच मतलब क्या, पंजा मारने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्ली को क्या लगता था, देखिए यहाँ पे उसे लगता था, क्या लगता था कि बिल्ली को लगता था, क्या लगता था, कैट हर जगह क्या होंगे, एक ही समय पे मतलब अपने पंजे को तैयार करके होगा। आगे देखें यहाँ पे, एट लास्ट यानी आखिरकार। माई स्किप्ट सो क्लोजली यानी चूहा जो है, ठीक है, किप्ट क्लोजली मतलब क्या आता है, करीब से, इतना करीब आया। ठीक है, ऑफ देयर डैन यानी अपनी जो बिल है, यानी चूहा का जो बिल है, उस चूहे की बिल के पास आया, क्या कुछ दूरी को बनाते हुए सुरक्षित यानी नजदीक आया, नजदीक आया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, दैट कैट यानी वह बिल्ली, ठीक है, दैट द कैट यानी वह बिल्ली, सॉ मतलब देखा, ठीक है, उस बिल्ली को दिखा दिया,
ही मतलब क्या था, उसे या फिर वह, वुड हैव मतलब करना होगा, टू यूज मतलब उपयोग, ठीक है, उसको मतलब उसे उपयोग करना होगा, हिज विंड्स यानी अपनी बुद्धि का। अब देखिए यहाँ पे वह जो है ना, यहाँ वह के लिए क्या होगा, उसे भी होगा या फिर वह होगा, ठीक है, उसे उपयोग करना होगा, ठीक है, अपनी बुद्धि का। वेल मतलब होता है अच्छी तरह से। टू कैच वन यानी एक पकड़ने के लिए। अब बिल्ली क्या दिमाग दिखा, बिल्ली को दिमाग क्या लगा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे अपना जो दिमाग है ना उसे उपयोग करना होगा अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, ठीक है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन, ठीक है। ही क्लाइम मतलब होता है वह चढ़ गया, क्लाइम क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, यहाँ पे ईडी लगा है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, वह चढ़ गया, अब मतलब क्या था, ऊपर, वह ऊपर चढ़ गया ऑन ए सेल्फ, जैसे कि घर का जो छत का जो रेख होता है उसे बोलते हैं सेल्फ, ठीक है, यानी उस पर क्या हुआ, चढ़ गया। हंटिंग फ्रॉम इट यानी उसके शिकार के लिए, हंटिंग मीन्स क्या होता है, शिकार करना, फ्रॉम मतलब होता है के लिए, ठीक है, इट मतलब क्या था, उसके या फिर इसके, इसके शिकार के लिए क्या लटक गया मतलब चढ़ गया। और देखिए क्या करता है, हेड मतलब जो सिर है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, और सिर जो है, ठीक है, सिर हेड मीन्स क्या होता है, सिर डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की ओर, ठीक है, सिर नीचे की ओर, एज इफ यानी जैसे कि ही वेयर डेड यानी वह मर गया है, ठीक है, वो क्या किया, अपना सिर नीचे की ओर क्या किया, लटकाया, ठीक है, जैसे कि लगता था कि वह मर गया है, ठीक है। होल्डिंग मतलब होता है पकड़कर, हिम सेल्फ स्वयं यानी वह स्वयं पकड़कर, अब मतलब क्या था, ऊपर, ठीक है। बाय क्लाइमिंग मतलब क्या था, चढ़ गया, टू सम रॉप यानी रस्सी के सहारे, विथ वन पाव यानी एक पाव के, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विथ मतलब होता है साथ, वन पाव मतलब क्या था, एक पंजे यानी एक पंजे के सहारे क्या हुआ था, वहां पे लटका हुआ था। वेन जब, ठीक है, द माइस, ठीक है, पिप जब चूहा, पिप मतलब क्या था, झांका, आउट मतलब होता है बाहर, जब चूहे ने बाहर झांक कर देखा, और सॉ मतलब देखा हिम इन दैट पोजिशन, देखिए यहाँ पे और क्या हुआ, सी का होता है, सी मिस होता है देखना, यहाँ पे सॉ, सॉ मिस क्या होता है, देखा ही मतलब उससे, इन दैट पोजिशन यानी उस परिस्थिति में, दैट मतलब क्या था, उस परिस्थिति, उस परिस्थिति में देखा, ठीक है, दे थॉट यानी वे सोचा, दे थॉट मिस होता है, वे सोचा, ही हैड बीन हंग बाय देयर इन पनिशमेंट ऑफ सम मिसडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या था है? उसने सोचा, ठीक है, उसे हैड बीन हंग यानी उसे हंग अप मतलब क्या, लटकाया होगा, ठीक है, यानी उसे क्या हो, देखो यहाँ पे देखिए, बिल जो चूहा है ना, चूहा ने क्या सोचा, ठीक है, ही हैड बीन, उसे हंग अप मतलब उसे ऊपर लटकाया होगा, देयर, ठीक है, इन पनिशमेंट उसकी सजा के लिए, मतलब उसे सजा दी होगी, फॉर सम मिसडेड यानी उसके दुष्कर्मों के लिए, यानी उसके कुछ दुष्कर्मों के लिए उसे क्या सजा दी होगी, ठीक है। वेरी टाइमडली यानी बहुत डर डर कर, ठीक है, एट फर्स्ट यानी पहली बार, दे सुक आउट मतलब क्या था, बाहर निकला, बहुत डर डर के पहली बार, ठीक है, यानी वे बाहर निकले, सुक आउट मतलब होता है बाहर निकले, देयर हेड यानी अपने सिर को क्या किया, बाहर निकाले, एंड SNIEFFG स्नैप, स्नैप मीन्स क्या होता है, सूंघना, स्नैप मीन्स होता है सूंघना, यहाँ पे स्नैप्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, सूंघा, अबॉर्ट केयरफुली मतलब सावधानी से, अबॉर्ट का मतलब कहीं कहीं पे लगभग भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, सावधानी से क्या किया, सूंघा, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, एज मतलब लेकिन, जैसे ही, नथिंग स्ट्राइक मतलब कोई हलचल नहीं हुई, ठीक है, ऑल ट्रॉप्स यानी जो सभी जो वहाँ पे चूहे जो थे यानी सभी लोग जो थे, ठीक है, जॉयफुली खुशी खुशी से आउट मतलब क्या था, बाहर निकले, सेलिब्रेट मनाने के लिए, ठीक है, टू सेलिब्रेट मतलब मनाने के लिए, द डेथ ऑफ कैट यानी बिल्ली की मौत का जश्न मनाने के लिए वे क्या किए, बाहर निकले, जस्ट जस्ट देन तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, द कैट लेट गो हिज होल्ड, ठीक है, तभी क्या किया, कैट मतलब क्या था, छोड़ दिया, ठीक है, अपने पकड़ा जो वहाँ पे लटक के जो पकड़ा हुआ था उसे क्या किया, छोड़ दिया, और बिफोर द माइस, बिफोर मतलब क्या था, पहले द माइस, अब आगे देखने क्या था, चूहे।
रिकवर्ड फ्रॉम देयर सरप्राइज, यानी सरप्राइज से जो उसको जो सरप्राइज हुआ था, यानी उनको सरप्राइज जो मिला था उसको उबरने से पहले ही हैड मेड एन एंड। देखिए यहाँ पे उसे क्या क्या मार डाला गया, ठीक है, यानी उन लोगों में से क्या क्या चार, तीन से चार लोगों को क्या क्या, यानी तीन से चार चूहों को मार दिया। अब आगे देखें तो नाउ, नाउ मीन्स होता है अब। नाउ द माइस किप्ट मोर स्ट्रैकली, देखिए अब जो चूहा जो था, माइस मीन्स क्या होता है चूहे, किप्ट मोर स्ट्रैकली मतलब क्या, किप मीन्स होता है रखना, यहाँ पे किप्ट है मतलब क्या रखने लगा या फिर रखा, ठीक है, और अधिक सतर्कता यानी और अधिक सस्ती से क्या रखने लगा एट होम यानी घर में, ठीक है, देन इवर यानी पहले से और भी ज़्यादा क्या सख्ती से बरतने लगा। बट द कैट, लेकिन बिल्ली हु मतलब जो थी, हु वाज मतलब जो थी, स्टिल हंग्री मतलब भूखी हुई अभी भी, ठीक है, फॉर माइस यानी चूहों का भूखा हुआ अभी भी थी, ठीक है। नो अब देखिए यहाँ पे नो मोर ट्रिक्स देन वंस, इस पूरे का अर्थ हो जाता है एक से बढ़कर एक तकलीफें जताना, ठीक है, या फिर बताना। यहाँ पे नो, नो मीन्स क्या होता है जनाना, बताना, ये सभी होता है, या फिर जताना, ठीक है, ये सभी होता है। रोलिंग हिमसेल्फ, ठीक है, रोलिंग मतलब क्या लपेट लिया हिमसेल्फ स्वयं को, ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे रोलिंग मीन्स होता है लपेटना, किसी भी चीज़ को आप लपेट रहे हैं उसको बोलते हैं रोलिंग हिमसेल्फ, यानी स्वयं को क्या क्या लपेट लिया। इन फ्लोर मतलब FLOWFLOUR, फ्लोर मीन्स क्या होता है आटा होता है, यानी आटे में क्या किया स्वयं को लपेट लिया। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक, ही वाज कवर्ड जब तक हुआ पूरी तरह, ठीक है, कम्प्लीटली कवर्ड, कम्प्लीटली कवर मतलब क्या होता है ढक लिया, जब कम्प्लीटली मतलब क्या पूरी तरह ढक ना जाए उतना मतलब पूरा क्या लपेट लिया। ही ले डाउन वह पड़ गया मतलब वह लेट गया, ले डाउन उसे क्या लेट गया नीचे, इन द फ्लोर बिन यानी आटे के डब्बे में, आटे के डिब्बे में क्या हुआ लेट गया ताकि क्या हो पूरी तरह से वो कवर यानी ढक जाए। विथ वन आई ओपन द माइस, विथ मतलब होता है साथ, वन आई मतलब एक आँख, ओपन मतलब खोले रखा, फॉर द माइस यानी चूहों को देखने के लिए क्या किया एक आँख खोले रखा। श्योर एनफ निश्चित रूप से, श्योर एनफ का मतलब होता है निश्चित रूप से, द माइस यानी चूहे सन बिगेन टू कम आउट मतलब चूहे सन मतलब क्या जल्दी ही, बिगन टू कम आउट मतलब बाहर आएंगे, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, यानी जल्दी ही चूहे क्या करेंगे बाहर आएंगे। टू द कैट, टू द कैट यानी इट वाज ऑलमोस्ट एफ एज इफ द ऑलरेडी हैड ए पंप, यहाँ पे देखिए टू द कैट यानी बिल्ली को बोल रहा है, ठीक है, इट वाज ऑलमोस्ट यानी यह लगभग था, ठीक है, एज जैसे कि ही ऑलरेडी यानी हुआ क्या, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, हैड बिन PM PLUMP प्लम मीन्स क्या होता है मोटा युवा चूहा, जैसे कि कैसे लग रहा था जैसे कि वह पहले से ही क्या मोटा चूहा था, ठीक है, अंडर हिज ग्लव यानी उसके हाथ के नीचे में। वैन तभी एन ऑल रेट यानी एक बूढ़ा चूहा जो हैड हैड मच एक्सपीरियंस मतलब जो यहाँ पे देखिए हैड हैड का यूज हुआ ना, ठीक है, जिनके पास था, ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या था बहुत ही ज़्यादा अनुभव, नहीं हैड हैड लगाया ना इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हैव के लिए यानी उसके पास के लिए क्या एक हैड लगाया है, और यहाँ पे एक आपका जो पास्ट टेंस का जो दर्शा रहा है उसके लिए हैड लगाया है, ठीक है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, उसके लिए हेड लगा, ठीक है, जो उसके पास क्या था एक ही बहुत ज़्यादा मतलब एक चूहा था जिसके पास क्या था कैट्स एंड ट्रैप यानी बिल्लियों मतलब चूहों, देखिए बिल्लियों और जालों का क्या था बहुत ज़्यादा अनुभव था, ठीक है, और हैड बीन लॉस्ट मतलब वह खोया था ए पार्ट ऑफ टेल यानी एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा हिज टेल यानी अपने पूंछ का, ठीक है, टू पे इसके लिए भुगतान किया था। सेट एज मतलब रहता था ए सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी पे, फ्रॉम मतलब से ए हॉल यानी एक छेद के,
सुरक्षित दूरी से रहता था। इन मीन्स होता है मैं वॉल, मतलब दीवार में एक छेद से क्या था, सुरक्षित दूरी पे रहता था। ठीक है, वेयर, जहाँ ही लिव्ड, यानी वह रहता था। आगे देखे तो टेक केयर, मतलब इसका मतलब होता है ख्याल रखना। हिट कराए, वह रोया। दैट माई बी ए हीप, मतलब क्या था, यह मे बी, मतलब क्या हो सकता है, यानी वह हो सकता है। देखिए आप, वह यानी दैट का जो यूज हुआ है, यह क्या है, जानवरों या फिर निर्जीव पदार्थों के लिए दैट का यूज होता है। ठीक है, यानी वह हो सकता है। ए लिप, मतलब क्या है, ढेर। ए मील, यानी भोजन का ढेर हो सकता है। लेकिन इट इज लुक, यानी वह दिख रहा है, टू मी, मुझे। ठीक है, यानी वह मुझे दिख रहा है, वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाइक, जैसे क्या, कैट, यानी बिल्ली के जैसे मुझे दिख रहा है। देखिए, वाट एवर, चाहे जो भी हो। ठीक है, वाट एवर मतलब चाहे जो भी हो। इट इज मतलब, यहाँ देखिए, वाट एवर इट इज मतलब होता है चाहे जो भी हो। ठीक है, इट वाज मतलब क्या, यह है। स्वीटनेस, देखिए, स्वेस मतलब होता है बुद्धिमानी से। ठीक है, इट इज स्वीटनेस कीप, टू कीप मतलब बुद्धिमानी से रखना होगा। एट ए सेफ डिस्टेंस, यानी सुरक्षित दूरी। मॉरल देखिए, नैतिकता, आप देखिए यहाँ पे, द वाइज डू नॉट लेट। ठीक है, यानी बुद्धिमानी नहीं होती है। ठीक है, स्वयं बी ट्रैकेड ए सेकेंड टाइम, देखिए बुद्धिमानी क्या करता है, नहीं देती है स्वयं को क्या, दोबारा मौका।